मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है, और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है, तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। और आप देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। जब किसी के संकल्प, उसके प्रयास, उसके सपनों से भी बड़े हो जाते हैं, तो सफलता उसके पास खुद चल करके आती है। साथियों, देश के कोने कोने से नए नए प्रोडक्ट जब विदेश जा रहे हैं, असम के हैलाकांडी के लेदर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंडलूम प्रोडक्ट, बीजापुर की फल सब्जियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस, सबका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में भी मिलेगी और सऊदी अरब में तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। जैसे हिमाचल उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स, मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। त्रिपुरा से ताजा कटहल हवाई रास्ते से लंदन निर्यात किए गए। और तो और, पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। इसी तरह भालिया गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। साथियों, यह लिस्ट बहुत लंबी है, और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग। ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इनकी मेहनत से ही $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का यह सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। आइए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी
हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले एक साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब करीब 1,25,000 लघु उद्यमियों छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। ये न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं। उनमें योग के प्रति एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जीवेम शरदः शतम्। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसमें क का मतलब है कप, पी का मतलब है पित्त और वा का मतलब है वात। यह स्टार्टअप हमारी परंपराओं के मुताबिक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर आधारित है। एक और स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट भी है। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक अनूठा कंसेप्ट है।
इसका टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म दुनिया भर के आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सीधे लोगों से जोड़ता है। 50,000 से अधिक प्रैक्टिशनर इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह आत्रेय इनोवेशन एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो होलिस्टिक वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहा है। एक्सोरियल ने न केवल अश्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई है बल्कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया है। क्योर वेदा ने जड़ी बूटियों के आधुनिक शोध और पारंपरिक ज्ञान के संगम से होलिस्टिक लाइफ के लिए डायट्री सप्लीमेंट्स का निर्माण किया है। साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स और विशेषकर आयुष स्टार्टअप से एक आग्रह भी है, आप ऑनलाइन जो भी पोर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और ना ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। साथियों, स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से भी जुड़ा है। मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रहियों के प्रयासों को जरूर बताते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही हैं चंद्रकिशोर पाटिल जी। ये महाराष्ट्र में नासिक में रहते हैं। चंद्रकिशोर जी का स्वच्छता को लेकर संकल्प बहुत गहरा है। वो गोदावरी नदी के पास खड़े रहते हैं और लोगों को लगातार नदी में कूड़ा कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें कोई ऐसा करता दिखता है तो तुरंत उसे मना करते हैं। इस काम में चंद्रकिशोर जी अपना काफी समय खर्च करते हैं। शाम तक उनके पास ऐसी चीजों का ढेर लग जाता है जो लोग नदी में फेंकने के लिए लाए होते हैं। चंद्रकिशोर जी का ये प्रयास जागरूकता भी बढ़ाता है और प्रेरणा भी देता है। इसी तरह एक और स्वच्छाग्रही हैं ओडिशा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार को सुबह सुबह पुरी में तीर्थ स्थलों के पास जाते हैं और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं। वो अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। पुरी के राहुल हो या नासिक के चंद्रकिशोर, ये हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। नागरिक के तौर पर हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, चाहे स्वच्छता हो, पोषण हो या फिर टीकाकरण, इन सारे प्रयासों से भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए बात करते हैं केरला के मुपट्टम श्री नारायणन जी की। उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ। आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे तो सोचेंगे कि क्या कमाल का काम है। साथियों, मुपट्टम श्री नारायण जी गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो इसके लिए मिट्टी के बर्तन बांटने का अभियान चला रहे हैं। गर्मियों में वो पशु पक्षियों की इस परेशानी को देखकर खुद भी परेशान हो उठते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह खुद ही मिट्टी के बर्तन बांटने शुरू कर दे ताकि दूसरों के पास उन बर्तनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहे। आप हैरान रह जाएंगे
की नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में 1 लाखवा बर्तन वो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है तो नारायण जी का यह काम हम सबको जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशु पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। साथियों, मैं मन की बात के श्रोताओं से भी आग्रह करूंगा कि हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। थोड़े से प्रयास से आप अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। रहीमदास जी सदियों पहले कुछ मकसद से ही कहकर गए हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और पानी बचाने के इस काम में मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है। स्वच्छता को जैसे हमारे बच्चों ने आंदोलन बनाया, वैसे ही वो वाटर वॉरियर बनकर पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। साथियों, हमारे देश में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा सदियों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा तालाबों झीलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सफलता के साथ पूरा किया। इसी तरह महाराष्ट्र के एक साथी रोहन काले हैं। रोहन पैसे से एक एचआर प्रोफेशनल है। वो महाराष्ट्र के सैकड़ों स्टेपवेल्स यानी सीढ़ी वाले पुराने कुओं के संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। इनमें से कई कुएं तो सैकड़ों साल पुराने होते हैं और हमारी विरासत का हिस्सा होते हैं। सिकंदराबाद में बंसीलाल पेट कुआं एक ऐसा ही स्टेपवेल है। बरसों की उपेक्षा के कारण ये स्टेपवेल मिट्टी और कचरे से ढक गया था, लेकिन अब वहां इस स्टेपवेल को पुनर्जीवित करने का अभियान जन भागीदारी से शुरू हुआ है। साथियों, मैं तो उस राज्य से आता हूं जहां पानी की हमेशा बहुत कमी रही है। गुजरात में इन स्टेपवेल्स को वाव कहते हैं। गुजरात जैसे राज्य में वाव की बड़ी भूमिका रही है। इन कुओं या बावड़ियों के संरक्षण के लिए जल मंदिर योजना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पूरे गुजरात में अनेकों बावड़ियों को पुनर्जीवित किया गया। इससे इन इलाकों में वाटर लेवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली। ऐसे ही अभियान आप भी स्थानीय स्तर पर चला सकते हैं। चेकडम बनाने हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, इसमें इंडिविजुअल प्रयास भी अहम है और कलेक्टिव एफर्ट भी जरूरी है। जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। कुछ पुराने सरोवरों को सुधारा जा सकता है, कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात उसकी एक खूबसूरती ये भी है कि मुझे आपके संदेश बहुत सी भाषाओं, बहुत सी बोलियों में मिलते हैं। कई लोग
MyGov पर ऑडियो मैसेज भी भेजते हैं। भारत की संस्कृति, हमारी भाषाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहन-सहन, खान पान का विस्तार, ये सारी विविधताएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, भारत को यही विविधता एक करके रखती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। इसमें भी हमारे ऐतिहासिक स्थलों और पौराणिक कथाओं दोनों का बहुत योगदान होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं अभी आपसे क्यों कर रहा हूं। इसकी वजह है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कैसे ये भारत की विविधता से जुड़ा है, ये जानना मन की बात के श्रोताओं को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। साथियों, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में समंदर के पास माधवपुर गांव में लगता है, लेकिन इसका हिंदुस्तान के पूर्वी छोर से भी नाता जुड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, तो इसका भी उत्तर एक पौराणिक कथा से ही मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का विवाह नॉर्थ ईस्ट की राजकुमारी रुक्मणी से हुआ था। ये विवाह पोरबंदर के माधवपुर में संपन्न हुआ था और उसी विवाह के प्रतीक के रूप में आज भी वहां माधवपुर मेला लगता है। ईस्ट और वेस्ट का ये गहरा नाता हमारी धरोहर है। समय के साथ अब लोगों के प्रयास से माधवपुर मेले में नई नई चीजें भी जुड़ रही हैं। हमारे यहाँ कन्या पक्ष को घराती कहा जाता है और इस मेले में अब नॉर्थ ईस्ट से बहुत से घराती भी आने लगे। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को चार चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का इमेज ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी इस मेले के बारे में पढ़ें और जानें। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में आजादी का अमृत महोत्सव अब जन भागीदारी की नई मिसाल बन रहा है। कुछ दिन पहले 23 मार्च को शहीद दिवस पर देश के अलग अलग कोने में अनेक समारोह हुए। देश ने अपनी आजादी के नायक नायिकाओं को याद किया, श्रद्धापूर्वक याद किया। इसी दिन मुझे कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी के लोकार्पण का भी अवसर मिला। भारत के वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलरी है। यदि अवसर मिले तो आप इसे देखने जरूर जाइएगा। साथियों, अप्रैल के महीने में हम दो महान विभूतियों की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने ही भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये महान विभूतियां हैं महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर। महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल को है और बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाएंगे। इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। साथियों, महात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्रीबाई फुले जी का भी उल्लेख उतना ही जरूरी है।
सावित्रीबाई फुले ने कई सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। एक शिक्षिका और एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। दोनों ने साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। उनका जन्मस्थान महू हो, मुंबई में चैत्य भूमि हो, लंदन का उनका घर हो, नागपुर की दीक्षा भूमि हो या दिल्ली में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण स्थल, मुझे सभी जगहों पर, सभी तीर्थों पर जाने का सौभाग्य मिला है। मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि वे महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जरूर जाएं। आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। अगले महीने बहुत से पर्व त्योहार आ रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, यानी हमारी परंपराएं हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है, इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। इस बार मन की बात में इतना ही। अगले महीने आपसे नए विषयों के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।